पूरे पहाड़ से कवर है, ये देखो पूरा पहाड़ बीच में, चारों तरफ पहाड़, में दिखाता हूँ आपको देखना, ये देखो चारों तरफ पहाड़, ये देखो पूरा पहाड़ी पहाड़, ये देखो पूरा का पूरा पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़, और पहाड़ों के बीच में है ये झील। ओहो, तो दोस्तों ये देखो, वाह व्यू देखो आप, एक नदी वहाँ जा रहा है और सनसेट हो रहा है यहाँ से। वाह कहेंगे कितना बड़ा पत्थर कट रखा है। यहाँ पर लैंडस्लाइड होगा यार, देख भयंकर, ये देखो भयंकर कितनी भाई, हाँ लैंडस्लाइड एरिया है ये पूरा, ये अगर गिर गया ना पत्थर भयंकर सीधे नीचे भी मिलेंगे भी नहीं भाई। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मिस्टर गो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो जो आज का सफर है, देखो गेस करो कहाँ का होगा, चलो बता देता हूँ। तो हम है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, और फिलहाल अभी हम है उत्तराखंड के नैनीताल के झील में, जो यहाँ का विश्व प्रसिद्ध झील है नैनीताल झील, तो अभी हम यहीं पर है। तो बाकी और कुछ नहीं कहना, बस आप सफर एंजॉय करो, तब तक स्टे ट्यून्ड। चलो दोस्तों हम निकल चुके हैं अब केची धाम से। चलो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस दोस्तों ना केची धाम का भी, वहाँ पर थोड़ा मेडिटेशन वगैरह किया, तो वहाँ पर जो नीम कोरेली बाबा थे, जो हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं यहाँ पर, मतलब उनका निधन हो चुका है, मतलब माने जाते थे, तो उनको शायद काफ़ी सारी सिद्धियाँ प्राप्त थी। तो वहाँ पर उनका जो कक्ष था, जो उन्होंने जहाँ पर ध्यान करके सिद्धियाँ प्राप्त की थी, वो कक्ष वगैरह देखा, तो वहाँ पर थोड़ी देर हम बैठे, थोड़ी देर मेडिटेशन किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो बाकी अब हम निकल रहे हैं नैनीताल की तरफ, पहाड़ों की ये एक अच्छी बात है कि मतलब यहाँ पर आने के बाद माइंड इतना फ्रेश हो जाता है, इतना सुकून हो जाता है कि फिर और कहीं जाने का मन ही नहीं करता। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार, मतलब आप भी कभी लाइफ में कभी टाइम मिले ना तो ऐसा एक्सपीरियंस लेना यार ज़िंदगी में ना, काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। तो जब तक आप स्वस्थ हो तो इस टाइम को आप यूज़ करो, क्योंकि ये टाइम बार बार दोबारा वापस लौट के तो आएगा नहीं। तो जब तक हो तब तक थोड़ा सा यार अपने जॉब वगैरह से थोड़ा सा टाइम निकाल के, कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक महीने के लिए आप निकल लो कहीं पर ना, अपने बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगा, तो उस चीज़ से क्या होगा कि मतलब फिर आप जब वापस अपने काम वगैरह में फिर से लग जाओगे तो आपको एक मेमोरी बनेगी, बॉडी को रिलैक्सेशन होगा, फिर काम करने में फिर से जो नई एनर्जी आएगी आपको और मज़ा आएगा, फिर आप फिर से वही चीज़ करने लग जाओगे लाइफ में ना रिपीटेड, तो ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि मतलब साल में एक महीने के लिए किसी हिल स्टेशन चले गए या किसी ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस चले गए जहाँ पर आपको मतलब एकदम रिलैक्सेशन हो जाए, मतलब मेंटली तौर पर भी, फिजिकली तौर पर भी। तो ये चीज़ करो यार, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये चीज़ करो। तो देखो कितने अंधे मोड़ है यहाँ पर ना, और तुषार कह रहा है कि यार भाई वहाँ पर जब हम मेडिटेशन कर रहे थे तो कह रहा है यार आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि वहाँ वहीं पर सो जाओ करके ना। तो मतलब वहाँ पर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब वाइब्रेशन, ऐसा इतना अच्छा वाइब्रेशन होता है वहाँ पर कि मतलब कोई भी नेगेटिव, आपका माइंड भी नेगेटिव हो रहा होगा तो आपको इतना रिलैक्स फील होता है वहाँ पर, मतलब सिर्फ यहीं पर नहीं, तो किसी भी आप स्पिरिचुअल प्लेस पे जाओगे तो आप थोड़ी देर 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना वहाँ पर, तो आपको इतना रिलैक्स फील होगा
कि आप खुद आओगे यार, मुझे ये चीज़ बार बार करनी है, तो मैं तो ये हमेशा ही करता हूँ। जैसे घर पे भी होता तो मेडिटेशन तो मैं करता ही हूँ, तो जैसे मैं कोई स्पिरिचुअल प्लेस विजिट करता हूँ तो 10-15 मिनट के लिए मतलब एक शांत जगह ढूंढता हूँ, फिर वहाँ पर आराम से अपना थोड़ी देर के लिए बैठे, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पर घूमने जाना है वहाँ चले गए। आपको भी तो दिखाना है ना, मैं सिर्फ अपने बारे में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि आप भी मेरे फैमिली हो, तो वो सारी चीज़ है ना। लेकिन आओ यार अपना करो इस तरीके की चीज़ है ना, क्योंकि देखो यार ज़िंदगी भर में काम 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 की वजह से यार खुद के लिए तो निकालो यार कभी टाइम, है ना। जब खुद के लिए टाइम निकालोगे तभी तो आप, जब यार जब आपकी उम्र हो जाएगी, जब आप 60-70 साल हो जाओगे, तो यार क्या सुनाओगे यार अपने पोते पोतियों को, हैं अपने बच्चों को क्या सुनाओगे कल के दिन कि यार तेरे मम्मी पापा ने किया क्या यार ज़िंदगी भर। तो कुछ तो कहने के लिए होना चाहिए ना आपके पास कि यार हम यहाँ पर गए, इस तरीके से किया हमने, जब प्रॉब्लम आई लाइफ में इस तरीके से टैकल किया। तो ये सारी चीज़ें जब आप बताओगे तो उनको भी एक नॉलेज मिलेगा, लाइफ का लेसन मिलेगा, क्योंकि जब आप ऐसे जर्नी में निकलते हो तो लाइफ के बहुत सारे लेसन आपको प्रैक्टिकली मिलते हैं। तो वही चीज़ ना आप आने वाले अपने जनरेशन को भी शेयर कर सकते हो। जनरेशन नहीं, आपके काफ़ी सारे दोस्त होंगे, दोस्त यार ना, तो मतलब उनको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो जब आप वो एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो यार उनको भी लगेगा कि यार हमें भी ये चीज़ करना चाहिए। तो आप सिर्फ खुद के साथ साथ दूसरों की लाइफ भी चेंज करते हो इस चीज़ से ना, तो इससे आपको तो खुशी मिलेगी, उनको भी खुशी मिलेगी, है ना। तो मज़ा आएगा करने में ना। दिखाता रहूँगा। ओहो आई लव नैनीताल, तो यहाँ पर है आई लव नैनीताल, ये पूरा कि एक व्यू पॉइंट है शायद ना, पूरा व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव नैनीताल ये व्यू पॉइंट में। तो चलो अब हम भी नैनीताल से प्यार ही करते हैं मेरी जान। चलो तो कैसा लगा बताओ यार, कमेंट करो। कमेंट करना यार, कमेंट करते नहीं हो यार आप लोग ना, कमेंट करके बताओ यार कैसा लगा यार आप लोग का। मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें ना, लेकिन आप लोग यार एक भी कमेंट नहीं करते हो यार। कमेंट तो कर दिया करो कम से कम। कमेंट करने से यार होगा कुछ नहीं, बस यार मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपको आने वाले टाइम पे और भी अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे। यार आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो तो यार यार भाई ना दिल में दर्द हो जाता है। समझ रहे हो, कमेंट कर दिया करो यार। देखो जैसे अभी आपको मैंने इतना प्यारा नज़ारा दिखाया, अब आप लोगों को देखने है नहीं देखने ऐसे नज़ारे, बताओ। मिस्टर को इतना एफर्ट कर रहा है आप लोगों के लिए, बताओ दिखाने के लिए। तो आप लोग कमेंट करो यार, शेयर करो। ये पत्थर ये है ऑफ रोडिंग भाई, ये देखो आएंगे कितना बड़ा पत्थर कट रहा है। यहाँ पर लैंडस्लाइड होगा यार, देख भयंकर, ये देखो भयंकर कितनी भाई, हाँ लैंडस्लाइड एरिया है ये पूरा। ये अगर गिर गया ना पत्थर भयंकर सीधे नीचे भी मिलेंगे भी नहीं भाई। हाँ भाई ये देखो ऊपर, ओए होए होए होए, क्या है ये पेड़, मतलब लगा है छाट रखे होंगे भाई। हाँ है ना, कितने प्यारा लग रहा है, देखो लैंडस्केप यार दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में नहीं आ गए। तो ये सामने देखो भयंकर, ये है पूरा नैनीताल शहर दोस्तों, देख रहे होंगे आप जहाँ पर नैनीताल बसा है। तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा नैनीताल शहर है। ये हम निकल चुके हैं माल रोड की तरफ, हाँ यहीं से आए थे हम। ये देखो ओए आपको दिखाऊंगा, ये देखो भाई साहब नैनीताल झील, ये देखो आए हाय भाई साहब, ये देखो नज़ारे, नज़ारा देखो, नज़ारा आप लोग, ओए होए कितना प्यारा नज़ारा।
ये देखो इनको इतना प्यारा नज़ारा दिख रहा है यार यहाँ पर। बोटिंग अभी नहीं करना यार, अभी पहले स्कूटी को रखते हैं कहीं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नैनीताल में, तो कैसा लग रहा है? तो आज गांधी जयंती भी है, तो अभी बच्चों की रैली भी निकली थी। तो फिलहाल तो है हम झील के पास में, अभी जा रहे हैं हम झील के सामने सामने ही जाएंगे। तो ये देखो आप झील ना, ओए ओए ये देखो हम वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। हाय हाय, ये है नैनीताल झील, देखो पूरा पहाड़ों के बीच में देख सकते हो आप। तो दोस्तों तुषार कह रहा कि यार एक बार पूछते हैं बोटिंग का, ला हेलमेट दे मुझे। तो देखते हैं अभी बोटिंग कितने का है करते ना। तो अभी पूछते सामने कि बोटिंग का रेट क्या है, और सस्ता होगा तो देख लेंगे, अगर महंगा होगा तो फिर यहाँ से निकलते बनेंगे, क्योंकि झील वगैरह तो देख लिया हमने, आपको भी दिखा दिया है। तो बाकी देखते हैं, है वो पूछते हैं, है वो कुछ। तो तब तक बने रहो। ये बोट वगैरह तो यहाँ पर रखा हुआ है झील के लिए, तो अभी देखते हैं कौन है। तो दोस्तों ये तो बहुत महंगा ले रहा है, तो वो भी आधा चक्कर का बोल रहा है, 210 आधा चक्कर बोल रहा है। तो यार और व्यू भी सब इस तरफ अच्छा नहीं है, तो यार अगर हम आधा चक्कर भी लेंगे तो यार अच्छी जगह से लेंगे, तो थोड़ा हम सामने जा रहे हैं तैरते। तो दोस्तों यहाँ पर दो बोट है, एक भैया लोग ही चलाएंगे और एक क्या बोलते पैडल वाला, एक घंटे का है ना भैया, एक घंटे का है, तो हमने पैडल वाला वो करेंगे, तो पैडल वाले जाएंगे, क्योंकि हम खुद ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, फिर हम लाइफ जैकेट वगैरह पहनते हैं, क्योंकि तुषार का बहुत इच्छा था, मतलब सही है। तो तुषार का तो क्या, मेरा भी मतलब इच्छा ही थी कि मतलब ये पैडल करना, मतलब ये पैडल वाला मतलब खुद ही मतलब बोटिंग करना। तो चलिए हम यहाँ पर, ओए होए पहले पकड़ तो भाई, तो पहले तू पहन ले। तो ये हमारे तुषार जी पहन रहे हैं, तो ये मैंने भी पहन लिया है लाइफ जैकेट, तो भैया पहना रहे हैं हमें लाइफ जैकेट। टाइम देख ले, रेडी है चलो। तो पूछा, तो ये चढ़ गया है तुषार बोट पे। ओहो ओहो, तो चलो मैं भी, भैया मुझे चढ़ा दे। तो ये हम यहाँ पर चढ़ गए हैं, इसको लेफ्ट करोगे लेफ्ट, राइट करोगे राइट, और सामान रख दिया जैकेट के बीच में भी उतार देनी। ठीक ठीक ठीक, तो अभी टाइम देख ले, दो बज रहे। तो कैसा लग रहा है भाई? ओ बापे। तो दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है, ये खुद ही एक्सपीरियंस किया था हमने, मतलब यार खुद ही करना कर गया ना। तो थोड़ा सा हम राइट साइड चलेंगे, कैसा लग रहा है? हल्का सा चलेंगे। अच्छा लग रहा है यार, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करना यार। ये देखो ये हमारे ड्राइवर साहब। तो दोस्तों यार यहाँ पर भी जैसे मैं मध्य प्रदेश में गया था भोजताल में,
तो वहाँ पर तो मैं अकेला था, तो यहाँ पर अभी मेरा दोस्त तुषार भी है। तो काफी अच्छा लग रहा है कि मतलब यार नैनीताल के झील में पूरे पहाड़ से कवर है। ये देखो पूरा पहाड़ बीच में, चारों तरफ पहाड़। में दिखाता हूँ आपको देखना, ये देखो चारों तरफ पहाड़, ये देखो पूरा पहाड़ ही पहाड़, ये देखो पूरा पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़, और पहाड़ों के बीच में है ये झील। तो इफ आप लोगों का कभी प्लान बना उत्तराखंड आने का, तो नैनीताल जरूर आना यार। मैं प्रीफर कर रहा, आपको पर्सनली प्रीफर कर रहा हूँ। नैनीताल मतलब वैकेशन के लिए अच्छी जगह है। तो मैं तो आमिश्र आत्मा शांति भ्रमण करते करते केची धाम गया था, तो ये नैनीताल भी रास्ते में पड़ता है। मैंने सोचा कि यार आप लोगों को भी दिखाता हुआ चलो। तो हम थोड़ी देर यहाँ रुक गए, ज्यादा देर के लिए नहीं है, बस बोटिंग करके हम निकल लेंगे खाना खा के, है ना भाई। तो फिर हम सीधे घर को ही रुकेंगे, तो बाकी तब तक स्टे ट्यून्ड। बस हम पहुंच चुके हैं वापसी अपने बोट के। हैं काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, है ना भाई। लाइफ जैकेट ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं झील से बाहर, तो कैसा लगा आपको लोगों को कमेंट करके बताओ यार, कमेंट करना जरूर, क्योंकि बिना आपके कमेंट देखे मुझे भी मजा नहीं आता यार, तो कमेंट बिल्कुल करना। और कैसा लगा भाई तुषार? भाई ऐसी जगह में आठ लेके चले जाओ, अंदर ही पड़े रहो भाई। तो बस अब हम निकलते हैं, बस लंच करके, बस हम लंच करके अब सीधे निकलना है घर की ओर। अब बीच में कहीं पर भी नहीं रुकना है हमें। कहीं रुकेगा तू भाई? कहीं रुकने की हिम्मत नहीं है, 306 किलोमीटर जाना है अभी। कम से कम 300 किलोमीटर और जाना है हमें दूर, तो हम रुक नहीं सकते। तो चलिए अभी तो यहाँ पे ठंड है, यूपी में घुसेंगे वहाँ धूल ही धूल होता है। जैसे हम यूपी के अंदर हो जाए पूरा मिट्टी, जो मेरा मिशन आत्मा शांति भ्रमण का वो टी शर्ट था वो पूरा धूल की पूरी सफेद टी शर्ट पूरा खाली हो गई थी। तो बाकी दोस्तों चलिए पहले स्कूटी पे बैठ जाए, तभी आपको कॉन्टेक्ट करता हूँ। तो झील से निकल चुके हैं हम, अब करने जाएंगे लंच। तो जैसे हम लंच करेंगे, लंच के बाद हम सीधे निकल जाएंगे देहरादून की ओर। तो चलिए हम निकले देहरादून की ओर। वो देखो देखो वो देखो, ये सामने देखो दोस्तों, ये देख सामने पहाड़ भाई, ऐसा लग रहा है कुछ बनाया होगा भगवान ने, है ना। वो ये देख रहे हो, तो थोड़ा सा यहीं पर रुकते हैं। वो तो यहाँ पर देखो सनसेट हो रहा है अभी, थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पर। आय हाय ओहो। तो दोस्तों ये देखो, वाओ व्यू देखो आप, एक नदी वहाँ जा रहा है और सनसेट हो रहा है यहाँ से। वाह कितना प्यारा नज़ारा है ना। ओ नीचे देख, आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे गाय है, और ये देखो इतना बड़ा बड़ा पत्थर यहाँ पर। वाओ हाँ। So फाइनली गाइस आज का सफर यहीं पर खत्म होता है। होप आप लोगों ने भी वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो। इफ आप लोग नए हो तो मेरे चैनल में और मिस्टर गो के फैमिली में एंटर हो जाओ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।